हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। हमारा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है फ्रेंड्स। मेरा नाम है समित शर्मा और आज फ्रेंड्स 18 अगस्त का जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनने वाले थे वो आपके लिए इस वीडियो में हम ले आए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप पूरा देखिएगा और इस वीडियो को एंड में फ्रेंड्स आप अपने मित्रों में शेयर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त होते रहें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हाल ही में निधन हो गया है, वे कितनी बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। फ्रेंड अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का 16 अगस्त को की शाम को निधन हो गया है, ठीक है, और उन्हें भारत रत्न दिया गया था। वो देश के 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। वो कितनी बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं? 3 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और इसका उत्तर आपका जो हो जाएगा सी वाला, इसमें आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल स्क्रीन परियोजना को लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस मंत्रालय के द्वारा डिजिटल स्क्रीन परियोजना को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन आपके रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय। तो ये आपका फ्रेंड रेल मिनिस्ट्री ने जो है आपका डिजिटल स्क्रीन जो है वो परियोजना है उसकी लॉन्च की है। इसके इससे क्या होगा फ्रेंड, डिजिटल स्क्रीन से जो सभी रेलवे स्टेशनों पर हैं, लगभग 100 रेलवे स्टेशनों पर देश के एक डिजिटल स्क्रीन लगेंगी, उसमें सब शेड्यूल वगैरह उसमें जो होगा वो दिखाया जाया करेगा। तो ये उसकी जो है परियोजना है रेल मंत्रालय की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी थर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, IRCTC ने सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान के लिए किसके साथ समझौता किया है? IRCTC यानी इंडियन रेलवे के टिकट कैटरिंग ने किसके साथ सुरक्षित भुगतान के लिए समझौता किया है? आपके ऑप्शन है भीम, बी फोनपे या पेटीएम या पेपल। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फ़ोनपे। फ्रेंड्स फ़ोनपे जो है वो एक ऐप है, एक ऐसा ऐप है जो ऑनलाइन पेमेंट का जो जैसे पेटीएम होता है उसी प्रकार का जो है वो ऐप है फ़ोनपे, ठीक है। उसके ज़रिए IRCTC ने उसे समझौता किया है सुरक्षित और तेज़ भुगतान करने का, ठीक है। सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान करने के लिए इंडियन रेलवे ने उससे समझौता किया, यानी आप अब जो है पेटीएम से फ़ोनपे से भी अपना रिचार्ज वो टिकट जो है वो बुक कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देख लेते हैं, क्या है, कौन सी कंपनी भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है? कौन सी कंपनी ऐसी क्या नाम है उस कंपनी का जो भारत की सबसे मूल्यवान यानी कि सबसे अधिक महंगी कंपनी है, जिसका सबसे अधिक बजट है? तो ऑप्शन आपको देख रहे हैं TCS, RIL, HDFC बैंक या इन्फोसिस। तो जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका TCS। TCS जो है वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान कंपनी है, सबसे ज़्यादा महंगी कंपनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, भारत इसराइल के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किस मिसाइल को इसराइल नौसेना खरीदेगी, ठीक है। भारत इसराइल के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किस मिसाइल को इसराइल नौसेना खरीदेगी? तो ये ऑप्शन आपका इसमें ऑप्शन दे रखे हैं BARAK-6, BARAK-7, BARAK-8 या BARAK-9। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका BARAK-8, ठीक है। BARAK-8 जो मिसाइल है वो भारत इसराइल के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है और अब इसका इस्तेमाल जो है वो इसराइली नेवी करने जा रही है, ठीक है। इसराइली नेवी इसका इस्तेमाल करेगी। अब तो BARAK-8 नाम है उस मिसाइल का। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि पर कितनी दर बताई गई है, ठीक है। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा वित्तीय वर्ष 2019 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि रेटिंग कितनी बताई गई है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 7% या 7.2% या 7.5% 7.8%। जो आपको सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा बताई गई है भारत की आर्थिक वृद्धि दर सन 2019 के वित्तीय वर्ष के लिए, वो है आपकी 7.2%, ठीक है। 7.2% आपकी जो है वो भारत की आर्थिक वृद्धि बताई गई है, वृद्धि दर बताई गई है सन 2019 के वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 देख लेते हैं, फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार किस अभिनेत्री को दुनिया की सबसे अधिक भुगतान की जाने वाली अभिनेत्री के रूप में चुना गया है? फोर्ब्स की सूची के अनुसार किस अभिनेत्री को दुनिया की सबसे ज़्यादा भुगतान पाने वाली अभिनेत्री के रूप में चुना गया है, यानी कौन सी ऐसी अभिनेत्री हैं जो सबसे ज़्यादा
भुगतान पाती हैं, सबसे ज़्यादा वो उसका इनका रेवेन्यू है। ठीक है, ऑप्शन आप देख लेते हैं, मेगन फॉक्स, स्कारलेट जोहानसन या नटाली पीटमैन। ऑप्शन डी है आपका एमा वाटसन। तो सभी विदेशी नाम है, कोई भारत का इसमें है नहीं। ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी वाला राइट हो जाएगा, उसका उत्तर है आपका स्कारलेट जोहानसन। ठीक है, ऑप्शन आपका बी वाला इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है। ठीक है, तो पराग्वे देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है, उसका हमें नाम बताना है, वो राष्ट्रपति कौन है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, इफ्रेन एलेग्रे, अल्फ्रेड स्ट्रोसनर, मारियो अब्दो वेनेटोज, हर्शिव कोर्टेज। ठीक है, तो जो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा मारियो अंटो वेनेटेज। ठीक है, अब्दो वेनेटेज आपका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा। पराग्वे के जो नए राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मारियो अब्दो वेनेटेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर लें यहाँ पर, कहाँ पर स्थित भायखला चिड़ियाघर में देश के पहले पेंगुइन का जन्म हुआ है। ठीक है, कौन कहाँ पर स्थित है भायखला चिड़ियाघर जहाँ पर देश के पहले पेंगुइन का जन्म हुआ है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं, मुंबई, कानपुर, नागपुर या जयपुर। तो फ्रेंड्स, इसका जो पहला पेंगुइन का जन्म हुआ है भारत देश में, वो हुआ है मुंबई के भायखल चिड़ियाघर में। ठीक है, भायखला चिड़ियाघर में मुंबई के पहले पेंगुइन का जन्म हुआ है भारत में। ठीक है, तो मुंबई जो है वो फ्रेंड्स महाराष्ट्र की राजधानी है, महाराष्ट्र की यहाँ पर राजधानी है मुंबई, और मुंबई जो है वो हमारी आर्थिक राजधानी भी कही जाती है देश की। और महाराष्ट्र के जो CM है इस समय, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, ये रेलवे की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसा कोई परीक्षा अभी हुआ नहीं है जिसमें कि CM और राज्यपाल किसी एक राज्य का पूछा नहीं गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य के CM कौन है, देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, 24वीं विश्व कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी कहाँ आयोजित की गई है। ठीक है, 24वीं विश्व कांग्रेस फिलॉसफी यानी WCP कहाँ आयोजित की गई है। ऑप्शन है आपका बीजिंग, शंघाई, न्यू दिल्ली और लंदन। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें बीजिंग। बीजिंग में जो है वो पहली विश्व कांग्रेस फिलॉसफी जो है वो 24वीं विश्व कांग्रेस फिलॉसफी का आयोजन वहाँ पर किया गया है फ्रेंड। बीजिंग जो है वो चाइना की राजधानी है। ठीक है, शंघाई जो है वो शहर है एक, और न्यू दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, और लंदन जो है वो ब्रिटेन यानी UK की राजधानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं फ्रेंड, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध गायक अरेथा फ्रैंकलिन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश की थी। प्रसिद्ध गायक थी एक जो है, वो उनका नाम है अरेथा फ्रैंकलिन, वो इनका हाल ही में निधन हो गया है वो किस देश की थी। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, अमेरिका, रूस, जापान और इंग्लैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। तो जो हमारी अरेथा फ्रैंकलिन थी, ये गायिका थी, सिंगर थी, वो अमेरिका देश की थी। ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के जो 18 अगस्त के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, वो आपने हमारे क्वेश्चन देखे सब जो हैं। यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक बटन प्रेस कीजिए, और यदि आपको हमसे कुछ और टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में हमें आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि जिन टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए। और एक रिक्वेस्ट और है फ्रेंड्स आपसे, जिन लोगों का कल RRB ALP का एग्ज़ाम है, वो लोग हमें जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए, कृपया अपने जो प्रश्न पत्र हैं, आपके जो प्रश्न आए हैं, जो भी जितने को याद रहे, वो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, हमसे एक इतनी रिक्वेस्ट है, या फिर आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, बेहतर होगा यदि आप हमें व्हाट्सएप कर दें। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को फ्रेंड्स शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ अपने व्हाट्सएप पर जितने भी ग्रुप हैं आपके, उसमें ये वीडियो जो है आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।